ट्रैफिक विंग के तरफ से इस बार रोड सेफ्टी मंथ का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत आज हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया, जिसके तहत जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं 18 इयर्स एंड अबव जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके लिए ये T20 कप का प्रोग्राम है, जिसके तहत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस के बेहतरीन जवाब देंगे उनको ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से एक रिवॉर्ड भी मिलेगा, एक कप मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो हमारे नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो कल होके हमारे लीडर बनेंगे, जिनके ऊपर पूरे स्टेट और सिटी की जिम्मेवारी रहेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, उनको लॉ रूल्स रेगुलेशंस सबकी अच्छी जानकारी हो, जिसमें कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप का कल्चर डेवलप करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब श्री KCR साहब के तहत जो पुलिस को जो टॉप प्रायोरिटी दी गई है, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रैफिक पर है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैदराबाद ही एक ऐसा शहर है जहां एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल पिछले 3 सालों में इम्प्रूव कर रहा है, लगभग 4 किलोमीटर बेहतर हुआ है स्पीड हैदराबाद शहर में रोड पर, सड़कों पर गाड़ियों के मूवमेंट का। बेंगलोर, कैलकटा, मुंबई, चेन्नई सब जगह ट्रैफिक कंजेशन के कारण स्पीड कम हुआ है। दूसरी बात कि हमारे सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो मोर्टैलिटी रेट है वो भी पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार 2020 में बहुत कम हुआ है। ये सब इनिशिएटिव का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट के तरफ से जो इनिशिएटिव हुए हैं, नई फ्लाईओवर बनी है, नए नए फूड ओवर ब्रिज बने हैं और ढेर सारे प्रोग्राम्स जो अभी पाइपलाइन में हैं, खास करके मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जो हमारा MAUD डिपार्टमेंट है, जिसके हमारे मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर KTR साहब की तरफ से जो रेगुलर रिव्यू मीटिंग होता है और जिसके तहत ट्रैफिक और रोड सेफ्टी रिलेटेड हर मसला पर डिटेल में डिस्कशन होता है और मिनिस्टर साहब के तरफ से गाइडलाइंस दिया जाता है जिसका प्रोग्रेस भी रिव्यू होता है, तो ये सब मिलकर हम लोग हैदराबाद को एक और बेहतर रोड सेफ्टी के मामले में नंबर 1 सिटी इन द कंट्री रखेंगे। और इसमें पब्लिक का अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसी अवेयरनेस के तहत ये प्रोग्राम आज हम लोगों ने यहाँ एडिशनल CP ट्रैफिक के तरफ से और पूरे ट्रैफिक ऑफिसर्स के तरफ से हम लोगों ने किया। शुक्रिया।